जैसे अभी हमने भजन सुना, रोज रोज बातों के लिए विश्वास करो कि परमेश्वर आप मुझे ऐसा बना चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अगर आप दीन नहीं हो, नम्र नहीं हो, तो परमेश्वर से रोज प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे आप दीन बना चुके हो, नम्र बना चुके हो। रोज रोज चाहत करो। क्या करो? जैसे लूका में, लूका 18 में प्रभु ने एक विधवा का दृष्टांत दिया, नित्य प्रार्थना करना। तो नित्य प्रार्थना, तो हर समय प्रार्थना तो नहीं बंदा कर सकता ना। तो उसे यूनानी शब्द ओरिजिनल टेस्टमेंट में, जो हिब्रू की भाषा है, जो ओरिजिनल टेस्टमेंट का जो वचन है, वहां पे उस शब्द को नित्य प्रार्थना हियाबना छोड़ना का मतलब हिब्रू की भाषा में ऐसे, यूनानी में ऐसे लिखा है कि प्रोस ओकुमाई। प्रोस ओकुमाई का मतलब उस तरफ तेज चाह। क्या है? तो उस चीज के लिए आप रोज रोज चाहत कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे वो अपने काम के लिए रोज परमेश्वर के पास जाती, ये एक दृष्टांत है, ये उदाहरण है आपको समझाने के कि आप परमेश्वर से कैसे काम ले सकते हो। यीशु मसीह ने सिखाया आकर लोगों को, तो जो बुद्धिमान है वो उस बात को समझ आएंगे और फिर करेंगे और उनके लिए आसानी से हो जाएगा। क्या है? आसानी से हो जाएगा, समझते हो? तो उसने एक दृष्टांत, एक वाक्य मतलब एक उदाहरण दी कि ऐसे करो, समझते हो? जैसे हम मोबाइल फोन लेने जाते हैं शॉप पे, तो वहां पे इसका फोन लेने से पहले आपको इसकी एक डम्मी बोलते हैं, हाँ डम्मी बोलते हैं, वो डम्मी दिखाते हैं कि ये देखो जी ये फोन है। सेम ऐसा ही होता है, पर उसमें होता कुछ नहीं है। ऐसे यीशु मसीह ने लोगों को सिखाने के लिए लूका 18 में एक दृष्टांत कहा कि वो अपने उस काम के लिए रोज रोज जाती थी कि मेरा ये काम कर दो, समझ दो। और ऐसे आप रोज रोज उस बात के लिए अगर आप धीन नहीं हो तो धन्यवाद करो कि परमेश्वर मुझे बना चुके। आपको गुस्सा आता है तो रोज धन्यवाद करो कि परमेश्वर इससे आप मेरा चीज कर चुके। आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कितने लोगों का मन नहीं करता प्रार्थना करने, पर क्यों परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, जब यिर्मयाह 33 की 3 पढ़ते हो वचन, तो वहां पे परमेश्वर ने ऐसे कहा मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें तेरे लिए कठिन है, समझ में नहीं तेरी आती, कैसे होगा, औखा। उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं क्या कर दूंगा तेरे लिए, आसान कर दूंगा। तब रोज उस बात के लिए धन्यवाद करो। अपनी प्रार्थना में अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती तो अब 10 मिनट प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, रोज चाहत करो कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना में मन लगा चुके हो, मेरा प्रार्थना में, मेरी प्रार्थना आप 1 घंटे की 2 घंटे की कर चुके। रोज रोज चाहत करो, क्योंकि यीशु ने कहा जो मांगोगे मेरे नाम से वो क्या हो जाएगा। तो मेरे नाम से जो मांगोगे मैं करूंगा। अब मैं पिता से विनती ना करूंगा, क्योंकि ये सारा अधिकार पिता ने मुझे दे दिया। अब मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं करूंगा। तब रोज रोज धन्यवाद करो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना इतना करा। अगर आपका मन नहीं करता, कईयों का मन नहीं ना करता ऐसे प्रभु की हजूरी में आने, तो उससे भी आप परमेश्वर से कहो। हर चीज जो भी आपको कठिन लगती है उसके लिए आप परमेश्वर से कहो। गुस्सा आता है परमेश्वर से कहो, प्रार्थना करने को दिल नहीं करता परमेश्वर से कहो, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता। कोई लोग बाइबल पढ़ते हैं 2 मिनट में प्रार्थना करते हैं बस, यूं 5 मिनट में ही उसे ऐसे हो जाता, कैसा हो जाता है? बाइबल पढ़ो तो उसे नींद आने लगे, 10 मिनट में उन्हें नींद आने लगे। तो उस चीज के लिए आप रोज रोज किससे चाहत करो कि परमेश्वर आप मुझे, मेरा बाइबल पढ़ने में बहुत मेरा मन लगा चुके हैं, हाँ मेरा प्रार्थना करने में। तो मांगना तो पड़ेगा, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। भाई मांगा ही नहीं, चाहत की नहीं कि जी चीज मेरे लिए परमेश्वर क्या है, आप करो, करो का मतलब रोज रोज चाहत करो कि आप मेरे लिए कर चुके, रोज रोज चाहत करो कि आप मेरे लिए कर चुके। देखना फिर, क्योंकि बाइबल इब्रानियों 11 की 1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेख वस्तुओं का क्या है, परिणाम। परिणाम मतलब सबूत है कि जिस चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हो
अभी नजर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, पर आप विश्वास कर रहे हो। क्या हो बोलो, किसी का बच्चा नशा करता है, किसी का पति नशा करता है, पर आप रोज विश्वास करते हो नहीं 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 है परमेश्वर। और देखना आपके रोज रोज करने से, ऐसे नहीं हफ्ते बाद आज संडे है जी चलो आओ चलिए, कैसे, और कुछ लोग आकर बैठ के चुप चुप करके आके बैठ गए और ध्यान उनका है, तो ऐसे कुछ होगा, फिर लोग ऐसे भी बेचारे क्या करें। यीशु मसीह को लोगों को देखकर जब भीड़े यीशु मसीह के पास आई तो उन्हें तरस आया, लिखा है ये अपने अयाली को अपने मालिक को जानते नहीं, इसलिए सारा संसार ये एक भेड़ों की समान भटके हुए, व्याकुल भेड़ों के समान किए, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जीव है अगर उसका मालिक उसका अयाली उसके साथ नहीं है तो वो डामाडोल हो जाती। और उसने कहा लोग ऐसे हैं क्योंकि अपने मालिक को अपने स्वामी को जानते हैं, समझ लो। तो अगर आप ऐसा है, आपका बेटा नशा करता है, आपके पति के जीवन में नशा है, तो आप रोज धन्यवाद परमेश्वर वो जा चुका है, यीशु मसीह तेरे नाम से जिसके लिए तूने क्रूस पर इतना दुख उठाया, इतनी जिल्लत तूने सही, आप कर चुके, तो हो गया। आपके रसौली है, पत्थरी है, कोई भी चीज है, यीशु मसीह तेरे नाम से यह निकल चुकी है। क्या है, पित्ते में पत्थरी है, पित्ता खराब है, आपको गंदे सपने आते हैं, रोज यीशु मसीह के नाम से कहो कि नहीं है, तेरा अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लिखा हम किसके किस पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। तो पहले अपने आप को समझना है, पहले अपने आप को समझना है, हाँ, और फिर उसके बाद अपने ये रोज करो। अगर आपको गंदे सपने आते हैं, आपका किसी चीजों को गंदी वीडियो को ऐसी चीजों को देखने को मन करता है, हाँ, अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो उसका मन विश्वास करता है मगर उससे मन हटता नहीं, पर किससे कहो तो परमेश्वर कर देंगे, आपका मन उस चीज से हटा देंगे। करने के लिए सब कुछ हो सकता है, क्यों यीशु ने कहा मनुष्यों से नहीं किससे सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है।